हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू भूचाल क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो सुनकर आप खुश हो जाइएगा। उस टॉपिक का नाम है रोटी स्पेशल। रोटी स्पेशल इट मींस चपाती स्पेशल बोल सकते हैं, ब्रेड स्पेशल बोल सकते हैं। ओके, ये गर्ल्स का डिमांड है, ये गर्ल्स जरूर देखें, इसलिए कि ये गर्ल्स के लिए ही ज़्यादातर ये कलेक्शन किया है मैंने और बनाया है, इसलिए ये गर्ल्स डिमांड पर मैंने बनाया है। और इतना ज़्यादा कलेक्शन है रोटी स्पेशल से, ये किचन का जो वर्क करती है लड़की सब, ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है इसे देखना कि रोटी से रिलेटेड सिस्टमेटिक ढंग से जितना चीज आता है मैंने सब बता दिया, शायद आपको कोई इतना बताएगा। ओके गाइस, देखिए रोटी स्पेशल में क्या है। नंबर वन, FLOUR, इसे FLOUR फ्लोर, FLOUR फ्लोर, इसे फ्लावर भी बोलते हैं या फ्लोर भी बोल सकते हैं। तो फ्लोर मींस होता है आटा। अब आटा क्या लिखे हम एग्जाम्पल के साथ मैं बताया हूं। ओके, फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। फ्लोर जो है गेहूं से तैयार किया जाता है, सच माने में गेहूं से बनता है आटा। ओके, उसके बाद देखिए क्या है दूसरा नंबर है, सिफ्ट। अब आटा लाते हैं तो आटा को छानते भी है ना, ठीक है, तो सिफ्ट के माने होता है आटा छानना। गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको ये काम आए। सिफ्ट माने आटा छानना। सना, अब सना क्या है, सना एक नाउन है, सना एक नाम है। ओके, और यहां पे एक सब्जेक्ट है, तो सना इज सिफ्टिंग द फ्लोर। सना क्या कर रही है, सना आटा सान रही है। ओके, अब आटा जो छानते हैं तो आटा से क्या निकलता है, चोकर। तो आपको जानना चाहिए ना कि चोकर का इंग्लिश क्या होता है, तो चोकर को कहते हैं ब्रान, BRAN, ब्रान मींस चोकर। पिंकी इज सिफ्टिंग द फ्लोर एंड रिमूविंग द ब्रान। ओके, अब पिंकी क्या है, यह भी एक नाउन है और यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पिंकी क्या कर रही है, पिंकी आटा छानकर चोकर निकाल रही है। देखिए भाई, सबका काम बटा हुआ है यहां पे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर फोर्थ है नीडिंग द डोफ, नीडिंग द डोफ। अब आप आटा छान लिया, चोकर निकाल लिया, उसके बाद इसका क्या प्रोसेस होता है, आटा को सानना, गूंदना जिसको बोलते हैं, आटा सानना। आतका, आतका क्या है, एक नाउन है जो यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रही है और ये गर्ल्स भी है, तो आतका इज नीडिंग द डोफ। आतका इज नीडिंग द डोफ, आतका क्या कर रही है, आटा सान रही है, आतका आटा सान रही है। नंबर फिफ्थ, मेक द बॉल्स या मेक द डोफ्स बोल सकते हैं। अब जब आटा साना हो जाता है तो उसका गोल गोल क्या करता है, लोई बना के रखता है, लोई। ओके, तो आरजू इज मेकिंग द बॉल्स या आरजू इज मेकिंग द डोफ्स। अब आरजू का क्या काम है, आरजू एक नॉन है और यहां पर एक सब्जेक्ट का काम है और गर्ल्स भी है। ओके, ये आरजू क्या कर रही है, आरजू इज मेकिंग द बॉल्स, आरजू लोई बना रही है, आरजू लोई बना रही है, यहां पर सबका काम बांट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब लोई बनाने के बाद क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब मेरी मम्मी या सिस्टर या कोई भी गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो भी रोटी बनाते हैं, तो रोटी थोड़ा से हल्का सा ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है लोई, तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा आटा लगाता है, आटा लगा करके फिर बेलता है, फिर आटा लगाता है, तो ये बार बार जो आटा लगाते हैं उसको कहते हैं पलेथन लगाना। पलेथन अपना अपना लैंग्वेज है, आप क्या बोलते हैं ये आप खुद समझिए, ठीक है। पेस्ट द फ्लोर लाइटली, पलेथन लगाना। मिन्नत, मिन्नत क्या है, मिन्नत भी एक नॉन है, एक गर्ल है और यहां पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो मिन्नत इज पेस्टिंग द फ्लोर लाइटली, मिन्नत इज पेस्टिंग द फ्लोर लाइटली, मिन्नत आटे में लोए पलेथन लगा रही है, मिन्नत आटे के लोए में पलेथन लगा रही है। ओके गाइस, एंड सेवन वन इज मेन काम, रोल आउट द ब्रेड, रोल आउट द ब्रेड है ना, या रोल आउट द चपाती भी बोल सकते हैं आप, चपाती, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं रोलिंग द ब्रेड या रोलिंग द चपाती। ओके, पम्मी, पम्मी क्या, पम्मी एक नॉन है, एक गर्ल है और यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रही है, और वो क्या कर रही है पम्मी, पम्मी क्या कर रही है, अब देखिए, रोल आउट द ब्रेड, रोटी बेलना, पम्मी का काम है रोटी बेलना, ठीक है। तो पम्मी इज रोलिंग द चपाती, पम्मी रोटी बेल रही है। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पम्मी इज रोलिंग द चपाती आउट, या पम्मी इज रोलिंग आउट द चपाती। ओके, पम्मी रोटी बेल रही है, तो रोल आउट माने होता है रोटी बेलना। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेक द चपाती या मेक द ब्रेड, मेक द चपाती या मेक द ब्रेड। अब इसे गौर से देखिए, फरीन, फरीन क्या है, एक गर्ल्स है और ये नॉन है और यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो फरीन इज
मेकिंग दी चपाती। अब ये जो है पम्मी रोटी बेल के दे रही है और फरीन क्या कर रही है कि रोटी पका रही है। ओके, फरीन रोटी पका रही है। अब आगे चलिए, रोटी पकाने के क्रम में फिर क्या होता है, रोटी को सेका जाता है तावे पर, रोटी को सेकना, उसको कहते हैं बेक द ब्रेड। बेक मीन्स सेकना होता है। अब साइमा, साइमा क्या है, एक गर्ल्स है, एक नॉन है और यहाँ पर सब्जेक्ट का काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट है तो साइमा इज बेकिंग द चपाती या रोटी या ब्रेड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो साइमा इज बेकिंग द चपाती, साइमा रोटी सेक रही है। ओके गाइस, देखिए रोटी से रिलेटेड सारा चीज मैं लिखा रहा हूं, आपको बहुत कम ऐसा कलेक्शन मिलेगा गाइस, इसे याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब साइमा रोटी सेक चुकी है, अब रोटी सेकने के बाद, सेकने के क्रम में क्या होता है, फिर रोटी को पलटा जाता है, उल्टा पलटा जाता है, ठीक है, पलटना। तो पलटना को क्या कहते हैं, रोटी पलटना को कहते हैं फ्लिप ओवर, फ्लिप ओवर, रोटी पलटना। ओके, सादिया, सादिया इज ए गर्ल एंड सादिया इज ए नॉन एंड हियर सादिया इज ए सब्जेक्ट। ओके, तो सादिया वास फ्लिपिंग ओवर द चपाती, सादिया वास फ्लिपिंग ओवर द चपाती, सादिया रोटी को उलट पुलट कर रही है ताकि जले नहीं। ओके, अब देखिए रोटी उल्टा पुलटा करने के बाद क्या होता है कि रोटी को फुलाता भी है आदमी, देखते होंगे एकदम क्या बोलते हैं, तो फ्रॉक की तरह रोटी फूल जाती है। ओके, उसको कहते हैं पफ अप, पफ अप, ये सब वर्ड बहुत कम मिलेगा आपको देखने को, पफ अप या इनफ्लेट, रोटी फुलाना। अब अक्षा, अक्षा क्या है, एक ब्यूटीफुल गर्ल और ये एक नॉन भी है और हेयर अक्षा इज ए सब्जेक्ट। ओके, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो अक्षा वाज पफिंग अप द चपाती, अक्षा वाज पफिंग द चपाती, अप भी बोल सकते हैं, अक्षा रोटी फुला रही थी, अक्षा वाज पफिंग अप द चपाती, अक्षा रोटी फुला रही थी। अब देखिए रोटी फूलने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थोड़ा सा खैरा करके रोटी देना है ना, रोटी को मीन्स चित्ती लगा के देना है, रोटी जो रहता है ऊपर में आप देखिएगा कि काला काला चित्ती लगा रहता है थोड़ा पपड़ी में, तो उसको क्या लगता है, आदमी को कुछ खाने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, तो कुछ आदमी का पसंद रहता है कि चित्ती वाला रोटी खाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, ओवर बेक द ब्रेड या ओवर बेक द चपाती मीन्स होता है कि रोटी को खैरा करना या रोटी में चित्ती लगाना, ठीक है। अब देखिए ओवर बेक दी ब्रेड हो गया, रोटी में चिट्टी लगाना। अब अक्षा क्या कर रही थी भाई, रोटी फुला रही थी, तो यहाँ कैकशा क्या कर रही है, तो कैकशा इज ए गर्ल एंड कैकशा इज ए नॉन हर हेयर कैकशा इज ए सब्जेक्ट, तो कैकशा इज बेकिंग ओवर दी चपाती, कैकशा इज बेकिंग ओवर दी चपाती, कैकशा रोटी में चिट्टी लगा रही है, क्या कर रही है, चिट्टी लगा रही है एज डिमांडेड फॉर डैट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, चिट्टी लगाने के बाद क्या होता है कि जब रोटी जब फूल जाता है तो आप देखिएगा कि रोटी को जब ऐसे थोड़ा से हल्का सा प्रेस किया जाता है तो उसके चारों तरफ से भाप निकलता है। ओके गाइस, अब देखिए स्टीम आउट दी चपाती, स्टीम आउट दी चपाती, रोटी से भाप निकालना, रोटी से भाप निकालना, कभी कभी रोटी से भाप निकालने के कारण हाथ भी जल जाता है गाइस, अगर लोग को तो आदत रहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके, नेचुरल भी वो बहुत स्ट्रांग होती है गर्ल्स ना गाइस, देखिए आप, तो स्टीम आउट दी चपाती, रोटी से भाप निकालना, ठीक है। साबरा वाज स्टीमिंग आउट द चपाती, साबरा इज ए नॉन है ना, सी इज ए गर्ल एंड हियर इज ए सी इज ए सब्जेक्ट। ओके, तो साबरा वाज स्टीमिंग आउट द चपाती, साबरा का क्या काम है कि साबरा रोटी से भाप निकाल रही है, रोटी से भाप निकाल रही है, ठीक है। अब लास्ट नेक्स्ट पॉइंट 14 नंबर, बेक द चपाती मोर, बेक द चपाती मोर, रोटी का जल जाना। कभी कभी देखते होंगे कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आदमी तावे पर रोटी चढ़ा करके कोई काम करने लगता है या किसी को कुछ बच्चे को कुछ देने लगता है, उस क्रम में क्या होता है कि रोटी जल जाती है, उसको कहते हैं बेक दी चपाती मोर, रोटी का जल जाना। ओके, ईर्षा, ईर्षा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, वेरी क्विट गर्ल, ईर्षा इज ए नॉन एंड हियर ईर्षा इज ए सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो ईर्षा बेक दी चपाती मोर, ईर्षा बेक दी चपाती मोर, ईर्षा ने रोटी जला दी, बच्चे थी जल गया, ओके, ईर्षा ने रोटी जला दी। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको, बहुत पसंद, बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कलेक्शन के साथ आज मैंने आपको पढ़ाया हो और ये गर्ल्स के डिमांड पे, और इसे गर्ल्स को जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि उसे बहुत काम आएगा। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है गाइस। बाय।